हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसेवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। जैसा कि कक्षा 12वीं के सीबीएसई बोर्ड मैथ का ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है, तो मैं इसमें आपको 1 से लेकर 20 तक के जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है सबका आंसर बताऊंगा कि कौन सा आंसर क्या सही होगा। तो जो आपने क्या किया था, आप अपने आंसर को चेक कीजिए। और ये बता दूँ, ये सेट नंबर जो है, तो सेट नंबर ये फर्स्ट है, यानी कि सेट नंबर फर्स्ट का कोड नंबर जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको जीजा दिक्कत ना हो। तो ये है सेट नंबर फर्स्ट, यानी कि सेट वन का ही सोल्यूशन है पूरा, एक से लेकर, सॉरी सेट वन होगा, सेट वन का सोल्यूशन। इसमें मैं बताऊंगा कि 1 से 20 नंबर के जो क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन थे, क्वेश्चन कैसे थे और राइट आंसर क्या होगा। कोड क्या है इसका, 65/5/1। जी हाँ, अब आइए हम फटाफट से टाइम वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको एडजेक्टिव ए, मॉड ऑफ एडजेक्टिव ए की वैल्यू पूछा है। तो इसका राइट आंसर आपने क्या किया है आप चेक कीजिए, और मैं ओरिजिनल आंसर बता दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर होगा 100। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 100। अगर 100 आपने किया है तो आप समझिए आपका एक नंबर का पक्का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ ए इज द 3x3 मैट्रिक्स। तो इसका मैट्रिक्स क्वेश्चन है, पूछा है मॉड 3a किसके इक्वल होगा, तो मॉड 3a इक्वल होगा 216 के। जी हाँ फ्रेंड्स, मॉड रूट 3a, सॉरी रूट 3a होगा किसके, 216। अगर आपने किया है तो आपका आंसर एकदम बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिया है फ्रेंड, ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूछा है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर उसका अगेंस्ट डी स्क्वायर बाई डी एक्स निकालेंगे, तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25y इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम केवल क्वेश्चन का राइट आंसर इसलिए कराना है कि आप अपने आप को चेक कीजिए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी आप 12वीं का पेपर दे रहे हैं ना, तो अभी लास्ट एग्जाम होना बाकी है, प्लस रिजल्ट आना बाकी है। तो रिजल्ट आने तक बहुत सारे अपडेट्स होते रहते हैं, बहुत सारी चेंजिंग होती रहती है। देखिए आज का न्यूज़ था कि सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जामिनर कॉपी चेक हो रहे हैं, अगर वो गलत कॉपी चेक करते हैं तो उनके ऊपर पेनाल्टी लगाया जाएगा बहुत ही ज़्यादा, 15,000 के करीब आसपास उनके। तो ऐसे सारे न्यूज आते रहे और रिजल्ट से रिलेशन जो भी अगर चेंजिंग वगैरह होगी, जो भी इंपॉर्टेंस अपडेट्स होंगे, हम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चीज़ें मिस ना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका हर अपडेट आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं, 4 को देखते हैं उसके बाद 5 को। तो 4 का क्या होगा, ठीक है, समाकलन पूछा था, इंटीग्रेशन पूछा, तो 4 का आंसर होगा 1/3e x^4। ये ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए क्या पूछा है देन। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 5 नंबर का डी वाला होगा, यानी कि कैप आई क्रॉस कैप के इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर के कंडीशन में 0 होता है। जी हाँ, परपेंडिकुलर में 0 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ठीक है, रैंडम हुज डायगोनल इसका है, तो इसका ई डी, वेक्टर ई डी किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर मैं बता दूँ 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। तो राइट आंसर ए, यानी कि 0। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिया है मैनुअली पेंडिकुलर इफ द वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू पूछा है, के की वैल्यू मैं बता दूँ 2/3। जिस भी स्टूडेंट ने ये लगाया है पेपर है उसका राइट आंसर है, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ए वाला। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, अ ग्राफ इज द अन इनइक्वलिटी 2x + 3y इज ग्रेटर देन 6 इज, तो इसका पूछा है, तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं 8वें नंबर का बी होगा। इस स्टूडेंट ने जो किया है उसका गलत हो जाएगा, राइट आंसर होगा बी। जी हाँ, बी वाला ऑप्शन, जो बी ऑप्शन है वो एकदम एग्जैक्ट करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अ कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, तो 9 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 9 नंबर का आप कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट करिए कि सर 9 का ए होगा या सी होगा डी, जो भी है आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए चीज़ें तभी मजा आएंगी जब हम भी साथ साथ चले, आप भी साथ साथ चले, हमारे अलग चलने से आपके अलग चलने से नहीं होगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन आप खुद से बता सकते हैं, ठीक है, तो इसका 9 नंबर ठीक। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो 9 और 10 दोनों मैं आपके लिए छोड़ूंगा, 9 और 10, ठीक है, आप इसको हमें बताइए कि क्या होगा, ठीक है। देन पी ए यूनियन बी पूछा है, ए यूनियन बी पूछा है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है आप बताइए, और मैं आपका कमेंट
अगर सही रहा तो आपके नाम के साथ पिन कर दूंगा, ताकि सारे स्टूडेंट आपके कमेंट को देख के एनालाइज करें कि हाँ इन स्टूडेंट ने, इन फ्रेंड ने सही आंसर दिया। तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपका राइट आंसर रहेगा तो कमेंट आपके नाम के साथ पिन कर दूंगा, जो सबसे ऊपर हाईलाइटेड रहेगा। ठीक है, 11 नंबर अ रिलेशन इज ए इज कॉल्ड, ठीक है, इच एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ, तो एस इसका राइट आंसर आई थिंक सिमेट्रिकल होगा। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसका आप आंसर अभी मैं रहने देता हूँ, अगर आपको आ रहा है तो बता दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर बता रहा हूँ क्या होगा। तो 12 नंबर का जो सोल्यूशन का होगा, तो पूछा है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू मैं बता दूँ क्या आएगा, आएगा 1/3, लिख लीजिए 1/3, 2/3, और लास्ट होगा 1/3। तो ये इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अगर आया है तो सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का मैं आपको बता दे रहा हूँ, 13 का क्या होगा, तो 13 का जब सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा रूट में 2√ab, क्या 2√ab अगर आपका आया है तो समझिए 100% सही है। मैं फटाफट से आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे टीचर सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं सीधे आंसर दिखा रहा हूँ कि क्या आंसर होगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सर पेपर ही अपलोड कर दीजिए, हम कहने पेपर तो अपलोड हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर करा दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी सारे पेपर स्टूडेंट से कलेक्ट कराने पड़ते हैं, तो चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं। आपका भी कोई क्वेश्चन सेट है, नहीं आ रहा है, तो आप रेसेवा एकेडमी, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, अपने पेपर को भेज दीजिए, सर इसका हमें सलूशन चाहिए, मैं उस सेट का पूरा सलूशन, कंप्लीट सलूशन भी हो सकेगा तो दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए दो क्वेश्चन है, दोनों में से एक कोई एक कीजिए। तो अब मैं इसका बता दे रहा हूँ, एक्स की वैल्यू 2 आएगी, क्या एक्स की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द वेक्टर क्वांट इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना, तो आपको क्या बताना है 15 वाले में, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड्स, आप हमें बता सकते हैं अगर आ रहा है तो। इसका आंसर अभी मेरे पास नहीं आ पाया, इसलिए अभी मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दो क्वेश्चन है, ये तो इजी है क्वेश्चन, लेकिन अभी टीचर थोड़ा काम से दूसरे पेपर पे लगे थे, इसलिए मैं इस दोनों क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। 17 नंबर से मैं आपको बता रहा हूँ 17 का राइट आंसर क्या हुआ। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, ए इनवर्स पूछा है, तो ए इनवर्स जो होगा, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा, मैं बता दूँ, -1 4 -1 3, जी हाँ अगर आपका ये आंसर है तो करेक्ट है। ठीक है, अब 18 नंबर में आंसर बताता हूँ, 18 नंबर का के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 6, क्या आएगी फ्रेंड्स, के की वैल्यू आएगी 6, जी हाँ के की वैल्यू 6 है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह 18 नंबर का हो जाएगा के का वैल्यू 6, क्वेश्चन को पढ़िए, अपने आंसर को मैच कराइए। 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी है, ठीक है, दो क्वेश्चन दिया है 19 में, और इसके बाद देखिए लास्ट 20 वाला क्वेश्चन क्या है, तो 20 वाले का मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मैं नहीं आपको बताया हूँ, क्योंकि अभी टीचर हमारे उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो वीडियो ज़्यादा लेट ना हो, फटाफट बच्चे क्या करते हैं, सर्च करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम आपको जितने क्वेश्चन हो सके प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और देखिए पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन सेट 1 हो या सेट 2 हो, सबका मैच किया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा, मैं बता दूँ, 15/2, क्या 15/2 राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड अगर आपके कितने क्वेश्चन सही है हमें कमेंट करके बताइए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है हमें कमेंट करके बताइए, सर हमें ये दिक्कत है, हम आपको और क्या प्रोसेस दे सकते हैं या क्या मटेरियल प्रोवाइड करें जो आपके लिए ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन जो छूटे हैं उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, आंसर बता दिया। तो वीडियो देखने के लिए आपका फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड अपकमिंग रिजल्ट। मैं चाहता हूँ आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, मैं उसके लिए गॉड से आपके लिए प्रे करता हूँ।